तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ मैं ईशान किशन के बारे में, जिनके बारे में सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ट्रेंड चलाया जा रहा है कि इनको वापस लाया जाए टीम इंडिया के अंदर। दोस्तों, ईशान किशन को काफ़ी ज़्यादा परफॉर्मेंस करने के बाद भी टीम इंडिया से बाहर कर दिया गया था, तो इसी वजह से उनके फैंस ने ट्विटर के ऊपर ट्रेंड चलाना शुरू कर दिया। आज वो जब मैच खेलने से पहले आने लगे थे मैच खेलने, तो उस वक्त कुछ फैंस ने, यानी कि ईशान किशन के फैंस ने ही उनके स्टैट्स लगाना शुरू कर दिए ट्विटर के अंदर, जिसमें उन्होंने बहुत से ऐसे मैच लिखे जिसमें ईशान किशन ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी इंडिया के लिए और उसके बाद वो बाहर हो गए। और आयुष नामी एक बंदे ने लिखा कि ईशान किशन ही हैं जिन्होंने ओडीआई की फास्टेस्ट 100 लगाई। आपको क्या लगता है कि इनको सही बाहर किया गया या ईशान किशन का टीम इंडिया में कमबैक होना चाहिए? कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और हाँ, मैं आपको एक और बार बता दूँ कि पाकिस्तान चैंपियंस कप के बारे में भी वीडियोज़ आती रहेंगी, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।